ग्राउल सुना तुमने शेर का? मैं भी कुछ सुना मैंने। हाँ, दहाड़ने की आवाज। मैं कसम से मैंने भी सुना। डरने की बात नहीं, बीच में फेंसिंग हुई पड़ी है ना। फेंसिंग से होता है इतना तो कूदना शेर के बाएं हाथ का खेल है। अरे मेरी चाय चिड़िया पी गई। हाँ, मैंने देखा था, ये चाय चिड़िया पी रही थी, मैंने देखा था। अब तुम पियोगे? हाँ। हम सब नेचर का ही तो हिस्सा है। मेरी जल्दी जल्दी चाय पियो, हमारे रोमांटिक वक्त तो हुई नहीं। तुमने भी अभी आवाज सुनी क्या कोई ऐसा दहाड़ने की? हमें यहाँ से आई, अभी हमें आई अच्छी खासी। एक फीमेल टाइगर इधर ही मूवमेंट करती है सब ज्यादा, तो यहीं पे हम लोग नाश्ता करते रहते हैं, कहीं वो पेड़ के नीचे बैठी रहती है। आपको मैं बता दूं, हमने अभी अभी यहाँ से आवाज सुनी है पूरी। उन लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, वो चाय नाश्ता कर रहे हैं, घर से लेके आए हैं। हमें भी दो तीन बच्चे पूछ लेंगे। और पता है कितने सारे फरसान है उनके पास, देखो। अरे इतना सारा नमकीन बिस्किट खा रहे थे, हमें पूछ नहीं सकते थे लोग? पोटली भर के लाए हुए लोग। देखना क्या है, कौन सा फ्रूट है उसके अंदर, भूख लगी है। बनाना दे देना, बनाना एक दो ना। जैकाल थोड़ी है, जैकल है। जैकाल बोल रहे हो? वो आता था शक्तिवान में, जैकाल। अच्छा, अगर इधर उतर जाए इनके पास तो ये अटैक करते हैं क्या? वो भागेंगे, अटैक नहीं करेगा वो। अच्छा, इनका काम क्या होता है जैकल का? गीदड़ भपकियां देते ना। बस जब तुम इनके पीछे भागोगी तो ये शहर की तरफ भागेंगे। जो गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है ना वो। इनको गीदड़ बोलते हैं, ये वही है जो गीदड़ भपकी देते हैं कि मैं बताऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। टाइगर से बहुत पंगा लेता है ये। हाँ, और उतरते ही भाग जाते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग सफारी है। तो अभी जाकर मिलते हैं आपको होटल पे क्योंकि अब कॉफी का टाइम हो चुका है। तो बता दूं लोगों को, क्योंकि दिन छोटे हो गए इसलिए शाम की सफारी यहाँ सिर्फ 2.5 घंटे की होती है। और अगर आपको पेंच नेशनल पार्क आना है तो नागपुर एयरपोर्ट आना पड़ेगा। नागपुर एयरपोर्ट से 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ पर आके आप कोई भी रिजॉर्ट या होटल बुक कर लो। जो मॉर्निंग सफारीज है वो है 5 घंटे की, 5 आवर्स। तुम्हें पता है, तो अब मैं मॉर्निंग अपनी कॉफी लेके आऊंगी थर्मस में ताकि हमें दिक्कत ना हो। लो जी, फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं और मैं बना रही हूँ कॉफी। और मैं घर से ही अपने मग्स लेके आई हूँ। अरे, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया। कॉफी लेके आई हूँ, कॉफी पाउडर लेके आई हूँ, और अब बनेगी कॉफी। से थैंक्स, तुम कह रहे थे मत लेके जाओ। थैंक्स। I'm having my sandwich, coffee. मैं बेबी क्या कर रहा है? बेबी कुछ काम कर रहा है अभी। मुझसे बात नहीं करोगे? You don't want to talk to me. I want to, baby. But you're not. अरे वाह, कितना अच्छा डिनर का और बॉनफायर का इंतजाम किया है। बस शेर और दिख जाए यहाँ पे। जरूर दिखूंगा मैं। यही बाकी सब ठीक है। नहीं, लेकिन जंगल में यहीं पे। मॉर्निंग में जरूर साइटिंग होगी। मॉर्निंग में होती है ना? आज भी अच्छी हुई थी मॉर्निंग। आज भी अच्छी हुई है। हमें दिखा, दूर से तो दिख गया था, हमें काफी देर तक बैठा हुआ था वो। इस समय मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर जो माहौल हुआ हुआ है ना, इतना कमाल का, इतना कमाल का। हम लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ पे टेबल लगाया हुआ है, बॉनफायर है और हम दोनों हैं। एंड आई थिंक इससे बेटर और इससे बेस्ट माहौल नहीं मिल सकता यार। और जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब यहाँ से 5 मिनट दूर है जहाँ से कोर सफारी शुरू होती है, और इतना मज़ा आ रहा है ना। पहली सफारी करी है और उसमें इतना मज़ा आया, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। एक दिन और है, कल का दिन और है, और परसों हम लोग एक और सफारी करके निकल जाएंगे। बट अविनाश, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमें ज़्यादा और करना चाहिए? बेबी, मुझे लगता है 4 सफारी जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 4 से ज्यादा मैंने फिर बोरियत हो जाती है। करेंगे ना कुछ दिन बाद फिर से कुछ और करेंगे। हाँ, 4 मतलब ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ ज्यादा नहीं है, ये कमी है। आर यू एंजॉयिंग बेबी? यस आई एम। अरे आज हमको वो मिला था, हकूना मटाटा। हकूना मटाटा, हकूना मट पुम्बा एंड टिमोन, हकूना मटाटा प्यारी प्यारी। लेकिन वो आजकल में हकूना मटाटा वो बहुत खतरनाक होते हैं, पता है? बेबी, तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए कपड़े लाई हो क्या, कि तुमने सिर्फ जैकेट पहनने के लिए वॉक करने जा रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, ठीक है? आ जाओ। तो जी, हमारा खाना हो गया है, बॉनफायर हो गई है। तो हम लोग सुबह सुबह उठेंगे, और सुबह सुबह मीन्स 4:30 हम लोग उठेंगे, और उसके लिए जल्दी सोना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग वैसे भी बहुत टायर्ड है, तो कल की सफारी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहचाना कौन? अरे मैं हूँ भाई। और हम लोग तैयार हो गए हैं सुबह सुबह की सफारी के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5, और मैंने इतने कपड़े पहने ना कि अगर गलती से मुझे बोल देना कि कपड़े उतार के भागो सर,
तो मुझे एक सदी लग जाएगी उतारने में, और मेरे से भी एक लेवल ऊपर है संभावना, जरा देख लो उसको, उसने जितने पहने उतने कैरी किए। बीबी, अरे यार ये क्या लग रहा, धोबी जा रहा है जंगल में। मैंने कॉफी बना ली है, कॉफी कैरी कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जैकेट रखी है, अंदर कुछ और मफलर है और हैंड ग्लव्स है। और बीबी ये जो गले में तुमने पहना है ना, ये मैं अपने लिए लाया था, और मेरी गले में ठंड लगने से मौत हो गई तो? बीबी बदतमीजी मत करो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है ये सब करने की? और तुमने जो किया ये मेरा मफलर क्यों ले लिया तुमने? मैंने ले लिया है, तुम्हारे लिए लिया है। अच्छा, और पहन लिया है? पहन लिया क्योंकि ऐसे ही रखूं पहन लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी ना अंदर भी इतनी ठंड है तो बाहर क्या हाल होगा मैं ये सोच रही हूँ। मैंने ना अंदर एक बहुत मोटा एक ऐसा पहना है कुछ, उसके ऊपर ये पहना है और उसके ऊपर अब मैं ये पहनूंगी, और अगर कंबल मिल जाए ना बेबी, ठंड बहुत ज्यादा है। इतनी कॉफी क्यों भर ली है तुमने थर्मस में ले जाने के लिए जंगल में? जंगल में जब शेर का वेट करोगे कॉफी पीछे होगी, तुम मेरा जंगल में थैंक यू करोगे, पता है मेरे चरण धो के पियोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया। अभी मजाक लग सकता है लेकिन जंगल में नहीं लगेगा, जंगल में यू विल एंजॉय। चले, गाड़ी तो आई नहीं। जंगल में आते ही तुम्हारा मुंह क्यों शेर जैसा हो जाता है? भूल जाता ना, आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ नेचर लवर, तो मेरे जंगल में आते ही मुंह फूल जाता है खुशी से। गाड़ी आ गई हमारी। कुत्ता ना कुत्ते की जात यहाँ पे, मतलब बंदा ना बंदे की जात, यू करेक्ट है ना? हम लोग बाहर निकलते हैं। अरे बाहर निकल क्यों करेंगे, क्या कुछ भी नहीं है बाहर। वी शुड नॉट वेट, एक फील ले लेते हैं ना पहले से ठंड का, तुम इधर तो आओ तो तुम पता रहेगा। आओ, कम हियर कम हियर कम हियर। अरे ये तो बर्फ पड़ रही है। अब आया मजा, अब पता लगा मैं क्या कैरी कर रही हूँ। बीबी स्किप नहीं कर सकते मॉर्निंग सफारीज, भी पैसे नहीं है। अरे तो क्या हो गया, जान थोड़ी दे देंगे पैसे दे के। चल 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 चल, चल। लेट्स गो। बीबी मैंने इतनी पैंटे पहन ली ना कि मेरा घुटना नहीं मुड़ रहा। कितना कितना पहना है अंदर? तीन, पता नहीं चल रहा। अंदर एक वो पहना है थर्माकॉट होता है, थर्माकोल होता है। थर्माकोल कौन पहनता है अंदर? थर्माकॉट पहना है, उसके ऊपर एक ट्रैक पैंट पहना है, उसके ऊपर जीन्स पहनी है। तो अब अगर मुझे ना पैर सीधे करके चलना पड़ रहा है, अगर जंगल में अगर शेर आ गया तो मुझे पैर नहीं मुड़ रहे। बीबी कैसे लग रहे हो, वो होते हैं ना वो जो जंगल के वॉचमैन, दिन पे शेर अटैक भी कर देता है ना, वो लग रहे हो। रातों रात खाए जाते हैं ना शेर के हाथों, वो लग रहे हो। ये ऐनक पहन के क्यों जा रहे हो? तो क्या करूँ, सुबह सुबह लेंस लगाऊं? हाँ, मैं लिपस्टिक लगाऊं थोड़ी सी शेर के लिए? भी गाड़ी नहीं आई। आ जाएगी। आई एम नॉट लाइकिंग, आई एम सो पंक्चुअल। मैं सुबह तुमसे ही पहले उठी हूँ, पता है मैंने पहले मतलब एक्चुअल अलार्म से पहले भी अलार्म लगाया था ताकि धोखा देने के लिए तुम्हें, पता है कि नहीं? नहीं, वही मैं कहूँ, उससे पहले कैसे उठ गई तुम? ये जब सुबह नींद पूरी नहीं होती ना तब होता है। लग रहा भालू नाच रहा है। अरे कुछ दिख नहीं रहा, ताला कैसे लगाऊं? बेबी इधर आओ। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, पकड़ो जरा इसको, चाबी रख लो। कहाँ रख लो? जेब में रख लो ना, उसे बंद कर लेना, पता चला जंगल में खो गई चाबी। अरे बेबी मुझे लगा शेर गया यहाँ से, बिल्ली थी। मैंने 5:15 बोला था गाड़ी के लिए यार, 5:40 हो गए। हमारी है क्या ये? देखते हैं। हमारी गाड़ी लग रही है मुझे, गाड़ी तो है ही नहीं, जिप्सी है। हेलो हेलो हेलो, अरे सफारी, हेलो हेलो हेलो, अभी कोई भी नहीं है बेबी। अरे आने आते आते सीधा जा रही है, नहीं आ रही है। आई डोंट लाइक इट, आई एम सो पंक्चुअल कि जब लोग ऐसा करते हैं ना देन आई डोंट लाइक। पहले से पूछ लो, हमारे उसके लिए आया ना, बोलो D6 के लिए ना बुकिंग की। हेलो D6 के लिए ना? हाँ चलिए। बेबी आईडी लिए? हाँ ध्यान से, ब्लैंकेट नहीं चाहिए तुमको? भैया एक ब्लैंकेट दे दो ना। अरे बाप रे बेबी, यहीं पे इतनी ठंड है तो जंगल में क्या होगा? जंगल में ठंड थोड़ी होगी, जंगल में होगी बहुत। अभी तो हम जंगल में घुसे भी नहीं है और संभावना ने खाना खोल लिया यहीं पे। बेबी ऐसी किसी भूख है? भूख नहीं है। फिर ऐसा लग रहा है बस चलो खा लेते हैं। बीबी कॉफी भी खोल दी तुमने? हाँ बीबी, ये सब सामान तो हम अंदर के लिए लाए थे ना, थोड़ा बस गरम, जवान को गरम करने के लिए। गरम गरम कॉफी है बीबी, एकदम गरम गरम। दिस इज लाइफ, आई एम टेलिंग यू। दोस्तों अगर जीवन जीना है तो ऐसे काम करो जो बिल्कुल अलग हो, मतलब घर पे तो कोई भी कॉफी पीता है, जंगल में और अपने घर की बनी हुई, मतलब लाइक रूम की बनी हुई कॉफी, यही लाइफ है। सुबह हो गई भी हल्की हल्की। हाँ सुबह हो गई लेकिन अंदर बहुत बुरी हालत होगी ठंड की। बता
दिख कर रही हूँ। अभी अभी हमें टाइगर के पग मार्क देखे हैं और उसके हिसाब से अभी ये गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। टाइगर की तरह पता नहीं, सुबह सुबह तो प्यास नहीं लगी होगी उसको, पानी तो नहीं पिएगी, सुबह सुबह नहीं पानी पीती ना। कुछ किसी को दिखा क्या, देखो 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 अभी गाड़ी है, क्या बोल रहे हैं एक दूसरे, क्या बात कर रहे हो आपस में, जो हमें भी बता दो। ये इतनी खुफिया थोड़ी सी बात, दिस वाज नॉट खुफिया एट ऑल। अरे ये तो नॉर्मल भी बता सकते हो ना, मुझे लगा शेर यही बैठा। डियर भाग गया, हमें देख के भागा है, मुझे लगा टाइगर दिख गया। डियर हमें देख के छुपा गया। सांबर इतना आराम से घूम रहा है वहाँ पे, टाइगर कहाँ होगी, इसको देख लेगा ना जब इसको फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब उसने नहीं देखा तो हम कहाँ से देखेंगे। वो खुजली कर रहा है, वो जो कान में इतना खुजल रहा है उसी से पता लग रहा है टाइगर नहीं है यहाँ पे। वो तो उड़ता हुआ भागे, वरना कॉलिंग कर रहा हो ऐसा लग रहा है उसके मुँह में जबान ही नहीं है। बहुत बड़ा ये तो यार मेल है ना ये, यहाँ पे सांभर इतना स्थिर बैठा है, वहाँ पे टाइगर की तरह होगा। और ये थोड़ा भुलक्कड़ भी होता है ना, सांभर भूल जाता है ना देख के कि मैंने देखा है इसलिए खाया जाता है। ये जंगल में वॉक कैसे कर रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके, इनकी कुल्हाड़ी का काम आएगी अगर टाइगर आ गया तो, शेर देख लिया खुद पे कुल्हाड़ी। क्यों भाग रहे हैं ये लोग, कुछ तो है बेबी, कुछ तो है, देख रहे हो, वो देख रहे हो सारे इकट्ठे हुए वहाँ पे, कॉलिंग हो रही है बेबी, देखो सारे इकट्ठे हुए हैं बेबी, बहुत सारे कॉलिंग चल रही है, कॉलिंग। क्लियर कॉलिंग चल रही है, क्लियर। ये सांबर की कॉलिंग है ना, नहीं डियर, डियर की है। तो ये अभी जो गाड़ी यहाँ से निकली है उन्होंने हमें बताया है कि एक मेल बच्चा है जो वहाँ से निकले और इधर किस तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है ना, मतलब बच्चा, मतलब बच्चा है या बड़ा ही है, मतलब इतना है या इतना है, इधर को क्या आएगा, आ जाएगा वो देखना पड़ेगा। I'll wait. टाइगर कैन कम एनी मोमेंट। शेरडी की बस आ गई। वो जंगल के अंदर पेट्रोलिंग ऐसे होती है, हाथी पे शेर यहाँ कैसे हुआ जहाँ हाथी है। चलो उतरो बेबी, आराम से आना, झटका नहीं। अरे मुझे ऐसा लगा बारह सिंह आ रहा है। अच्छी लग रही टोपी मेरी, मैंने इतनी प्यार से खरीदी थी, आओ कॉफी पिलाएंगे। हमारी गाड़ी कहाँ पार्क कर दी उसने, ले गया ना वापस। तो ये रही हमारी गाड़ी और बोनट पे लग चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, बस आलू बोंडा और मिल जाता ना। आ रहा है। कॉफी निकालो पीछे से, ये माजा क्यों लाया सुबह सुबह, पिक्कल भी है बेबी यहाँ पे, पिक्कल निकालो, अपने कप निकालो यहाँ पे, ये तो बेस्ट पार्ट है यहाँ पेंच में, ये चीज तो अच्छी है। यहाँ पे तो टाइगर की लेनी है पिक्चर, इसमें मिल्क पहले मिला दिया था। हमारे बोनट पे इतना सारा खाना देख के किसी ने आके हमसे पूछा, एक्सक्यूज मी इज इट फॉर सेल, कुछ भी बोल रहा। हाँ तुमने पूछा ना, उन्होंने ये तो बोला, ये पूछा कि खाना बेचने के लिए। हाँ तो तुमने क्या समझा और तुमने जवाब क्या दिया। मैंने बोला आपकी गाड़ी वहाँ है, बेचने के लिए। हाँ तो तुमने, मेरे को लगा तुमने बोला कि कहीं और बिक रहा होगा वहाँ से ले लो, सजाया भी तो ऐसे ना देखो। ₹10 ₹10 ₹10।